चार बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी होता है। तो आप इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्ले लिस्ट दी है, वहाँ से देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस तरह से आपको इस तरह के वीडियो मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सबसे पहले इसके अंदर लिखना है कि एक ही बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा रेखाएं समान होती हैं। तो ये यहाँ पर स्पर्श रेखाएं, यानी ये जो है स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त को जहाँ काट रही हैं, तो सभी स्पर्श रेखाएं क्या हैं, तो एक एक स्पर्श रेखा, दूसरी ये डी आर स्पर्श रेखा, तीसरी सी आर रेखा, चौथी सी क्यू, क्यू बी और पी क्यू, इस तरह से इस तरह कितनी रेखाएं हैं स्पर्श रेखाएं इसको, तो इसे कह सकते हैं स्पर्श रेखाएं चार हैं या फिर आठ भी बोल सकते हैं। तो हम स्पर्श रेखाएं ऐसे साबित करना है कि समान है, तो यहाँ पर देखो समान होती हैं सभी स्पर्श रेखाएं, एक बाजू की स्पर्श रेखाएं कैसे होंगी समान, जैसे डी आर है तो डी एस समान होती है। तो इसलिए हम लिखते हैं, इसलिए तो अगर हमने डी से एस लिया है तो डी आर डी आर बराबर क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। हम यहाँ पर ये वाला लेते हैं तो सी आर है, तो हम सी आर बराबर क्या कर देते हैं, सी क्यू, तो ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समान होंगी, तो रेखाखंड दोनों समान होंगे, सी आर बराबर सी क्यू। इसी तरह से हम यहाँ से लेते हैं जो बी पी है यहाँ से यहाँ तक, इसी तरह से यहाँ तक दोनों समान होती हैं, यानी बी पी बराबर बी क्यू। इसी तरह से ए पी बराबर क्या होगा, ए एस होगा, यानी ए पी और ये ए एस, तो ए पी बराबर ए एस। तो ये हम इनको समीकरण नंबर एक, इसको समीकरण नंबर दो, इसको समीकरण नंबर तीन, इसको समीकरण नंबर चार दे देते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं समीकरण एक दो तीन और चार जोड़ने पर तो ये है डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी बराबर, यानी हम इसको डी आर सी आर बी पी ए पी जोड़ दिया है। इस तरह से इधर साइड की करेंगे, डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस, ए एस भी लिख दिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे डी आर प्लस सी आर को एक कोष्टक में लिख देते हैं और बी पी प्लस ए पी को एक कोष्टक में लिख देते हैं। इसी तरह से डी एस के साथ में ए एस लिख देते हैं और फिर सी क्यू प्लस बी क्यू लिख देते हैं। जो बिंदु मिलता है, जैसे यहाँ पर बिंदु मिला एस, यहाँ भी है तो एस एस वालों को यहाँ लिख दिया, यहाँ पर क्यू क्यू वालों को साथ में लिख दिया, यहाँ पर डी आर वाले को यहाँ लिख दिया और यहाँ पी पी वाले को लिख दिया है। उसके बाद देखेंगे, हमने एक ही बिंदु लिए हुए हैं, उसका इसके कारण ये है कि देखो यहाँ पर हमने लिया डी आर और सी आर, तो यानी ये एक भुजा पूरी हो गई, तो डी आर प्लस सी आर बराबर क्या होता है, डी सी, डी सी, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, डी सी। इसी प्रकार से बी पी है, तो बी पी है यहाँ और दूसरा है ए पी, तो ये पूरी रेखाखंड हुआ, तो इस तरह से हमने इसको बी पी प्लस ए पी बराबर क्या होता है, ए बी हो जाता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं तो डी एस,
तो ये है डी एस और फिर है ए एस। डी एस और ए एस का मतलब होता है डी ए, तो यहाँ लिख देते हैं डी ए या हम ए डी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने लिखा था सी क्यू, तो सी क्यू, सी क्यू और बी क्यू क्या होता है, सी बी होता है। इस प्रकार से हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर जो लिखा था जैसे यहाँ लिखा था पहले ए बी लिखा है तो हम यहाँ ए बी लिख देते हैं, हमने पीछे लिखा है, और इसका मतलब होता है डी सी। और इस प्रकार से यहाँ पर पहले क्या लिखा था तो यहाँ पर ए डी लिखा है तो हम लोग इसको ए डी लिख देते हैं, और सी बी सी लिखा है तो हम ये सी बी लिखा है तो हम लोग इसको बी सी लिख देते हैं, चाहे आगे पीछे लिख सकते हैं। इस तरह से हमने ये साबित किया कि ए बी प्लस सी डी या डी सी बराबर ए डी प्लस बी सी। यहाँ पर लिखा है सी डी लिखा है तो हम लोग यहाँ पर सी डी लिख देते हैं। इस तरह से ये साबित हुआ, ये हमने साबित कर दिया। अब दूसरा सवाल देखते हैं, परीक्षा में पूछे गया है वो भी। क्वेश्चन नंबर 14 है, दी गई आकृति में दिए गए दो समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी हैं, तो ये 5 सेमी हैं और एक 3 सेमी है, तो ए बी पी ए, तो यहाँ है पी ए, पी ए मतलब कितना दिया है, और पी बी वृत्त के बिंदु ए और बी के स्पर्शकों हैं, यदि ए पी बराबर 12 दिया है तो पी बी ज्ञात करना है। तो अब अगर यहाँ पर आकृति पे से हमको ये देखना है कि जहाँ भी स्पर्शक होता है वहाँ समकोण बनता है, स्पर्श बिंदु पर समकोण बनता है, तो कौन सा, यानी दो त्रिभुज है यहाँ पर, दो त्रिभुजों में से हमको ये देखने का है, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाओं में से कोई दो भुजाएं दी होंगी तो तीसरी भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। दोनों त्रिभुज में से दो भुजाएं किस में दी हैं, तो ये दिया है, एक इसकी दिया है, एक यानी हमको ये बीच वाली ज्ञात करनी है तो हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस के अनुसार। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ ए, ओ ए बराबर कितना दिया है 5 सेमी, छोटे वृत्त की त्रिज्या तो ये है ओ बी, ओ बी बराबर 3 सेमी। अब हम देखते हैं त्रिभुज पी ए ओ में कोण ए बराबर कितना है, 90 दिया है, तो पी ए ओ में ए कोण समकोण है, 90 है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाएं कौन सी हैं, ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो हम यहाँ देखेंगे ये हमको दिया नहीं है, ये दिया है 5 और ये दिया है 12, 5 का वर्ग करते हैं तो 25, 12 का वर्ग करते हैं तो 144 और जोड़ते हैं तो 169 आता है, ओ पी स्क्वायर लिख देते हैं, इसका वर्गमूल करते हैं तो कितना हो जाता है, 13 आ जाता है। अब आगे आकृति में देखते हैं, जो हमारे पास यहाँ आ गया है 13, तो अब ये वाली भुजा भी हम ज्ञात कर सकते हैं, त्रिभुज का नाम देते हैं हम पी बी को, त्रिभुज पी बी ओ में बी कोण कैसा है, समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये कर्ण है, कर्ण का नाम है ओ पी स्क्वायर, फिर है ओ बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, ये हमारे पास दिया है 13, ओ बी बराबर 3 दिया है, पी बी हमको मालूम नहीं है, तो 13 का वर्ग होता है 169 और 3 का वर्ग होता है 9, पी बी स्क्वायर 169 यहाँ लिखा है, इसको इधर लेके आते तो ये माइनस का हो जाता है, पी बी स्क्वायर लिख देते हैं, पी बी स्क्वायर बराबर 160 बचता है। अब इसका गुणनखंड करते हैं तो 16 गुणा 10 हो जाता है, तो पी वी बराबर 16 का वर्गमूल 4, 10 का होता नहीं है तो उसको वर्गमूल में ही लिखे देते हैं, तो ये हमारा पी वी स्क्वायर कितना आया, 4 वर्गमूल में
10 सेमी आंसर आया। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।